हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश की है। सभी प्रोडक्ट के परचेजिंग लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आपको जो पसंद आए आप लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट प्रोडक्ट सी ग्रीन कलर में टॉप है। इसका ब्रांड ऑल अबाउट यू है। ये भी मैंने मिंत्रा से ही शॉप किया था। इसमें अंदर की साइड से लाइनर लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक में है। टॉप का फैब्रिक वेबसाइट में कॉटन मेंशन किया गया है, बट कॉटन तो नहीं है, शिफॉन जॉर्जेट मिक्स काइंड ऑफ फैब्रिक है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। आप इसको समर में ईजिली कैरी कर सकते हैं। इसमें राउंड नेक मिल जाता है नेक पर और स्लीव्स के एंड पर इसमें प्लीस दी गई है। काफ़ी स्टाइलिश पीस है और समर के लिए कंफर्टेबल भी है। इसमें 3-4 स्लीव्स मिल जाती हैं और स्लीव्स के एंड पर बटन्स भी लगे हुए मिल जाएंगे और सेम तरीके के बटन पीछे से बैक साइड में जो की होल नेक इसमें दे रखा है उसमें भी लगा हुआ मिल जाएगा। इसमें एक मरून कलर का भी ऑप्शन है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर ट्राई कर सकते हैं और वॉश करने पर भी इसका कलर ब्लीड होने वाला या फेड होने वाला बिल्कुल नहीं है। इसको वेयर करने में जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि इसके फ्रंट में जो नेक है वो गले पर एकदम से चिपका हुआ सा है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल आपको लग सकता है। अदरवाइज A1 पीस है और 400 की रेंज में मैंने लिया था, तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी क्वालिटी सुपर्ब है। नेक्स्ट प्रोडक्ट एक कुर्ता है जो मैंने वरांगा ब्रांड से लिया है और ये फुशिया पिंक कलर में कुर्ता है जिसके योग पर जरी की डिटेलिंग दी गई है और फ्रंट पर राउंड नेक इसमें मिलता है। इसका फैब्रिक कॉटन है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, कहीं से भी चुभने वाला फैब्रिक बिल्कुल नहीं है। इसमें 3-4 स्लीव्स मिल जाती हैं जिसके एंड पर भी जरी की डिटेलिंग मिल जाएगी। इसके फ्रंट पर जो नेक दिया गया है उसमें 3 बटन्स भी दिए गए हैं जो फंक्शनल है। बैक साइड से भी इसमें सेम बांधनी प्रिंट मिल जाएगा। इसका कलर बहुत प्रिटी लगा पहनने के बाद, इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत ब्यूटीफुल आ रहा था। इसे आप डेली वेयर में और ओकेजन वेयर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। डेली वेयर में अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको वाइट बॉटम के साथ कंबाइन करके पहन सकते हैं और अगर घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या फिर कोई फेस्टिवल हो तो इसे आप गोल्डन बॉटम के साथ और गोल्डन दुपट्टे के साथ कैरी कर सकते हैं और 500 की रेंज में मैंने लिया था। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ऑसम पीस है और वर्सटाइल पीस है, बहुत ज़्यादा जगह पर इसका यूज़ होने वाला है। आज की इस वीडियो के ज़्यादातर प्रोडक्ट स्मॉल साइज़ के हैं जो मेरी सिस्टर वेयर किए हुए हैं, आप अपना ट्रू साइज इसमें ऑर्डर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है एक बॉटम। हेयर एंड नाउ ब्रांड से मैंने ये बॉटम पिक किया है। लाइम ग्रीन और ब्लू का प्रिंट इसमें मिलता है। इसका कलर मुझे बहुत ही प्रिटी लगा। ये प्रिंटेड प्लाजो है, आप किसी भी अपर के साथ इसको मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हैं। घर में भी यूज़ हो जाएगा क्योंकि इसका फैब्रिक कॉटन है, बहुत ज़्यादा पहनने के लिए कंफर्टेबल है, समर अप्रोप्रिएट है। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। 300 की रेंज में मैंने इसको परचेस किया था और इसमें सी थ्रू का भी कोई इश्यू नहीं है। मशीन वॉश भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसकी वेस्ट सेमी इलास्टिकेटेड मिलेगी और इसमें आपको ड्रॉ स्ट्रिंग क्लोजर भी मिल जाता है, तो पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है और आसन की लेंथ भी इसमें प्रॉपर है। प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके दोनों साइड से पॉकेट आपको मिल जाएगी। अब लास्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं जो है एक शॉर्ट कुर्ती। ये कुर्ती मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी और ये पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन में है। इसका फैब्रिक 100% कॉटन है। इसमें मैंडरिन कॉलर मिल जाता है, नेक के फ्रंट में फंक्शनल बटन्स मिल जाते हैं। इसकी स्लीव्स 3-4 स्लीव्स हैं और स्लीव्स के एंड पर रोल अप स्लीव्स वाला पैटर्न मिल जाएगा। बैक साइड से भी सेम प्रिंट इसमें मिल जाता है। इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ब्रीदेबल है, आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं और कैजुअल आउटिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही प्रिटी लगा, समर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और प्राइस की बात करें तो मुझे ये सेल में 250 की रेंज में मिल गया था। मुझे लगा नहीं था कि 250 की रेंज में इतना अच्छा और इतना गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे मिल सकता है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी सुपर्ब है और इसकी लेंथ आपको वीडियो में क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट्स के परचेजिंग लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोडक्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।